इस वक्त हमारी मौजूदगी है पूर्णिया जिला के खजांची थाना अंतर्गत क्षेत्र में, जहां देख सकते हैं ये जो घर देख रहे हैं और यहां जो देख रहे हैं पीड़ित परिवार देख रहे हैं। मामला ऐसा निकल करके आता है, जो फाइनेंस कंपनी बैंक होती है वो इनको लॉकडाउन के समय लोन देती है और लोन देने के बाद इनकी पत्नी को इस तरह से प्रताड़ित करती है, इस तरह से जलील करती है ग्रुप में और घर पा करके, जिनके शोक में इनकी पत्नी इसी घर में अहले सुबह सुसाइड कर लेती है, क्योंकि वो सदमा बर्दाश्त नहीं करती है। क्योंकि किसी पत्नी को अगर ग्रुप में समूह में जलील किया जाए, बेइज्जत किया जाए, बदनाम किया जाए चंद पैसों के लिए, किसी के लिए, तो वो सुसाइड करने पर उतर गई, ऐसा उसके साथ किया गया था। मामला की पति जो उनसे प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? ये संजय कुमार। संजय कुमार, ये बताइए घटना कब हुई थी? सुसाइड का घटना? हाँ हाँ हाँ, सुबह में हुई थी। ऐसा क्या हो गया आपकी पत्नी के साथ जो वो सुसाइड कर ली? ऐसा हुआ था कि सर वही फाइनेंस कंपनी वाले थे, हिसाब वाला। हाँ हाँ। तो हमारी पत्नी से मतलब कि दो चार बार लोन अथी करके अप्लाई करके, हाँ हाँ, उनका लोन ब्रेक कर दिया। हाँ हाँ। 13 मार्च को जो लोन इशू हुआ था, हाँ हाँ, उसको भी ब्रेक कर दिया। हाँ हाँ। और ऐसे ऐसे करते पैसा लेते जाता था। हाँ। तो हम जिस दिन की घटना हुई थी उस दिन अपना पत्नी को बोले थे, हाँ हाँ, कि आज अगर आएगा फाइनेंस कंपनी, हाँ हाँ, तो हम यहाँ शिव मंदिर के पास में है, अगर आएगा तो उसको रोकना और हमको बुला के लाना, हम पैसा देंगे। हाँ हाँ। लेकिन मेरी पत्नी नहीं आई, तो हमारी पत्नी घर में नहीं थी, फाइनेंस कंपनी वाला मतलब कि शाम को 7:30 बजे के आसपास, हाँ, आया। क्या 7:30 बजे? 5:30 बजे। 5:30 बज रहा था। सुबह में आया था? नहीं, शाम में आया था। जी, शाम को आया था। जी जी। तो हमारी बच्ची थी, तो हमारी बच्ची से बोला, क्या बोला मामू? जोर से बोला कि मम्मी कहाँ, चिल्ला के बोला मम्मी कहाँ, तो हमारे मम्मी ने चिल्ला के बोला, वो बोला कि मम्मी कहाँ, तो हमारे हमको ले पता मम्मी कहाँ, तो बोला कि यहीं से भी खोज लिया, तो हम गए मम्मी को बुलाने के लिए काम पर से, तो बोला कि मम्मी आई, तो बोले मम्मी तुम्हारे 3 सर आए साहब बोले, तो मम्मी बोली ठीक है चलो मिल लेते हैं, गई तो मम्मी को बोला कि पैसा दीजिए रिता दे, तो मम्मी बोली मेरे पास अभी नहीं है पैसा, तो बोला कि कहीं से भी हमको ला के दीजिए, बोला कि नहीं है मेरे पास, बोला कि लीजिए मेरे पास पैसा है 2 रुपया लीजिए, जहर खा के मर जाइए ना, तो अपना सीना चीट के पैसा हमको कहीं से दीजिए। आप देख सकते हैं जो कि पैसा वसूली करने के लिए आए थे, तो कहा पैसा अभी नहीं है, कहा कि ये 2 रुपया लीजिए और जहर खा के डूब के मर जाइए, ऐसे बोला गया था? जी हाँ, ऐसा बोला गया था, जो मैं पत्नी हमसे बोली, पत्नी आपसे बोली। ये बताइए लोन कितना लिए थे आप? लोन लिए थे सर 49,000। हाँ, 49,000। जी जी जी। और उसमें से बैलेंस काट के लॉकडाउन का पैसा 19,000 पेमेंट किया था। जी हाँ। ये बताइए आप, 2.5 साल का किस्त था 930 रुपया 15 दिन, मतलब की 1860 रुपया का महीना। तो जो बदसलूकी किया था आपकी पत्नी के साथ, वो क्या नाम था उनका? उनका एक गांव का नाम जानते हैं सर, कि प्रहलाद नाम है उसका। प्रहलाद नाम है। उसके साथ भी और भी कोई था? जी बाबू, ये बताओ जब वो शाम में आए तो मम्मी से पैसा वसूली करने के लिए, तो मम्मी के बारे में और क्या सब बोले थे? उसके बाद फिर सेंटर पे गए थे। हाँ। तो सेंटर पे बोले थे कि सबको लेके गए थे 2-3 आदमी को सेंटर पे, बोला कि सब 100-100 रुपया का चंदा दीजिए और इसको पैसा पुराइए। हाँ। फिर मम्मी गई है पैसा लेने, तो बोला देखो चोर भाग रही है पैसा लेके। तुम्हारी मम्मी जब जा रही थी पैसा लाने के लिए घर से, तो क्या कही वो? बोला कि देखो चोर भाग रही है पैसा लेके। आप देख सकते हैं कि एक महिला के साथ कितना दुर्व्यवहार किया जाता है, कितना जलील किया जाता है, कितना बेइज्जत किया जाता है फाइनेंस कर्मी के एजेंटों के द्वारा। यह बताइए कि जब वो आए तो वसूली करने के लिए शाम में, तो उनके बाद घर के बाद वो ग्रुप में भी जलील किए थे, घर के बाद ग्रुप में भी किए। ग्रुप में भी? ग्रुप काम लोग चलता है? ग्रुप चलता है सर, बारीहाट चलता है। ग्रुप में कितने महिलाएं की मौजूदगी थी उस वक्त, जिस वक्त की पत्नी को क्या बेइज्जत किया जाता है? अब वो कितने थे? 2-3 आदमी थे। 3-4 आदमी थे ना? हाँ। कौन कौन थे वहाँ पे? 3 आदमी, एगो हिन आंटी थी। हाँ। और हाँ, एक बबली फुआ थी। हाँ। और एक उसी का वहीं पे थी, उसकी बहू थी, एक मेरी मम्मी थी। हाँ। यह बताइए जब वो लोन आपको दिया था, आप जबरदस्ती लिए थे या आपने स्वेच्छा से वो दिया था? नहीं नहीं, लिए थे सर। लिए थे? जी। अच्छा सा लिए थे? जी हाँ। जरूरत सर, ऊपर से डाला था? ना, नहीं डाला था। नहीं। आपका सिविल अच्छा था, हर कुछ अच्छा था? जी सब अच्छा। आपको लोन दिया? जी हाँ, लोन दिया। यह बताइए मतलब इतना जो दुर्व्यवहार किया गया पत्नी के साथ, इसका मतलब है कि आप किस दिन ढिलाई करते होंगे, किस दिन में ढिलाई करते होंगे आप? मतलब कभी कभी बीच में मतलब हो गया, लेकिन फिर पेमेंट हो गया पेमेंट? जी हाँ जी। अगर मान लीजिए सवेर में नहीं दे सके, तो शाम के कहीं से व्यवस्था करके शाम तक पेमेंट कर देते हैं। जी ये बताइए जब उसी दिन करते, जब बैंक कर्मी आपके पत्नी से बदसलूकी किया, तो वो आपकी पत्नी आपको क्या सब बताई, कैसे बताई वो? जैसे कि हम आए, हाँ हाँ, तो हमारी पत्नी वहीं पर बैठे हुए थे पेड़ के पास। हाँ हाँ। तो हम आए तो क्या बात है यहाँ पर बैठी हुई हो? हाँ हाँ। तो हमारी पत्नी बोले कि हमको तुम बेइज्जत करवाने दिया। हम कहे क्या क्या हुआ? देखो हमको कैसा कैसा बात बोल के गया है पैसे के लिए। बोला कि 2 रुपया के ले लो, जहर खा लो, नहीं है पैसा तो सीना चीर के दो। जब हम पैसा लेने के लिए निकले, तो हमको बोलता है कि देखो भाग रही है चोर।
देख सकते हैं कितना बेहूदगी वाला बात कहा कि पैसा नहीं है, 2 रुपया ले लो, जहर खा लो, सीना चीर लो, ऐसी ऐसी बात किया जाता है। क्योंकि जो जो वसूली करते एजेंट होते हैं उनको एक प्रेशर रहता है कि वो कहीं से पैसा लाए, किस तरह से पैसा वो लाए, कहाँ सुसाइड की, दिखाई जरा सा। आप देख सकते हैं यही वो घर है, पूर्णिया जिला में पड़ता है, जो कि खजांची थाना अंतर्गत का ये मामला है। और यह मामला देखिए, आप देख सकते हैं यहीं पर है जी, मतलब इसी में लड़की थी वो जी, इसी तरह से जैसे हम खड़े हैं। हाँ, यहाँ से गमछा था सर। और ये बताइए, जब वो सुसाइड की थी उसका वक्त क्या था, इधर घूमिए, कब था वक्त? 7:30 के आसपास, सुबह में, मतलब हम 7:30 के आसपास थे। आप देखे थे जी? हाँ, वो सोई कहाँ थी रात में? हमारे साथ यहाँ यही सोई थी। आप लोग यही सोए थे सर? हम भी यही। तो आप लोग जब यहीं पे सोए थे, वो सुसाइड जो कर ली तो आपको पता नहीं चला? जी नहीं। क्यों पता नहीं चला आपको? आप क्या बताएं सर, नींद में होंगे सर। आप नींद में होंगे जी हाँ, लेकिन हमारी बच्ची रोज जानती थी, लेकिन बच्ची हमारी सो गई थी। बाबू ये बताओ, जब तुम्हारी मम्मी सुसाइड की, तुम लोग यहाँ सब सोई हुई थी? हाँ। यहाँ बाबू, हाँ पहले मम्मी उठी है सर 6 बजे, तो मम्मी हमको उठाए, तो मम्मी बोली कि बाबू घर बाहर झाड़ दो, तो हम झाड़ दिए। उसके बाद बोली कि तो घर पहुँचो, तो हम बोले घर नहीं पहुँचेंगे मम्मी। तो मम्मी बोली कि जा नहीं पहुँचेगी, जाके हमको साबुन दो, तो हम बोले साबुन नहीं है। बोले कि साबुन नहीं तो पैसा लगे दो, तो हम पापा पास खुला पैसा है, सब नंबर ही है, बोले शैम्पू ले ला, तुम माथा घस के नहा लेंगे। तो उसके बाद मम्मी चले गए नहाने के लिए, तुम यहाँ सब काम करके पढ़ने बैठे ना, तो मम्मी बोले क्या कर रही, तो हम बोले पढ़ रहे हैं मम्मी। बोले जा सो जाओ, तो बोले मम्मी पापा डांटे जो सो जाता है एक बार फिर नहीं सोने नहीं जाता है। तो मम्मी बोले जाओ सो जाओ ना, हम सब संभाल लेंगे। हाँ। तुम सोने जगह, फिर हमको नींद आ गया था। नींद आ गया था। हाँ। जब देखी फिर तो क्या देखी तुम? फिर मम्मी देख रहे थे साड़ी ले रहे थे, उसके बाद फिर मम्मी बोली जा सो जा, तो हम सो गए। तो उसके बाद क्या हुआ हमको नहीं पता। फिर उसके बाद पापा उठे तो हमको पापा चिल्लाए ना, तब हमको नींद टूटा। जी तो मतलब कि पत्नी यही भी सर्च कर ली थी, साड़ी में लटक कर जान दी। साड़ी नहीं था, गमछा था। आप देख सकते हैं ये प्रीत परिवार है, कितने वर्षों से आप यहाँ रहते हैं? यहाँ करीब 5 साल। 5 साल से क्या काम करते हैं आप? हम ठेला पर बेल्ट और पर्स बेचते हैं। पूर्णिया में ही बेचते हैं जी। यानी कि जो बैंक सब कारोबार था अच्छा खासा चल रहा था? चल तो रहा था। लोन लेके आप करते क्या थे? उसी बिजनेस में लगाते थे और उनका किस्ती तीरते थे बढ़िया से जी। हाँ, आप देख सकते हैं कि जो कर्मी होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, उनकी इतनी बड़ी, मतलब इतनी बड़ी क्या कहा जाए, मतलब घिनौना शब्द कहा जाए कि जलील करना, बेइज्जत करना, ग्रुप में करना, घर आकर के करना, और ये भी कहना कि अगर पैसा नहीं 2 रुपया लो, जहर खा के मर जाओ, ये कहां तक उचित है? मैं चाहता हूं कि पूरे इंडिया के सहित जितने भी बिहार में है, जितने भी चिटपुटिया लोन होते हैं जो दे करके लोग को बदनाम करते हैं, उनके साथ जो है खिलवाड़ करते हैं, ऐसे ऐसे पे सख्त कार्रवाई करें। हालांकि पुलिस ने तत्परता के साथ दोनों को जांच जुड़ चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इनके प्रीत परिवार है, इनको ऐसा सरी सरी सरा दे ताकि ऐसे ऐसे जो एजेंट होते हैं वो सावधान हो जाए, और ऐसे जलील करने से पहले 1000 बार वो सोचे। आप देख